फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम देख सकते हैं खेत में है और सावन का मौसम कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो लोग अब जो धान की रोपाई होती है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम खेत में हैं और आप खेत में देख सकते हैं खेत की स्थिति जो पूरा नमी नमी हो चुका है। देखिए, यहाँ पे पूरा पानी पानी लग चुका है, मेरे पैर पर भी मिट्टी लगी हुई है। और ये जो बीज होती है ना, जो धान के जो हम लोग बीज लगाए थे, और बीज इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो हम आए हैं खेत में, तो चलिए खेत की स्थिति दिखाते हैं, खेत की स्थिति कैसी है और उसमें धान की बुआई किस प्रकार से होगी। ठीक है, जो ये देख पा रहे होंगे खेत में एक ट्यूबवेल है, इसी ट्यूबवेल से हम लोग ने कल पानी चलाया था, लेकिन बिया जो बीज हम बताएं वो पर्याप्त नहीं था कि हम रोप पाए। तो ये जो आगे देख रहे हैं जो खाली है, वही मेरा खेत है। और बगल में देख सकते हैं सबकी जो जिसकी रोपाई होने वाली है हो चुकी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ खेत की स्थिति कैसी है। ऐसे खेत की स्थिति देख सकते हैं, पूरा खेत जुता चुका है और पानी पूरा सूख चुका है और लाइट है नहीं, तो ट्यूबवेल से पानी चल जाता। तो गांव में ऐसा व्यवस्था होता है, जैसे कि बगल वाले खेत में थोड़ा पानी है तो काट कर लोग चला लेते हैं। यहाँ देखिए कट करके इसमें से इसमें आ रहा है, फिर जब पानी बारिश देख सकते हैं कि होने वाली है, मौसम कितना सुहाना सुहाना दिख रहा है। इस प्रकार से गांव में खेती होती है। तो अभी जस्ट धान का बीज आएगा तो इसमें रोपाई शुरू हो जाएगी। तो गाइस, मैं पूरा भीग चुका हूं और देख सकते हैं पूरा बारिश हो रही है और बारिश तेज़ हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको या दिख रहा होगा। और जब खेती होती है तो जो खेत में घास जमी होती है, मेड़बंदी जिसे बोलते हैं, उसको धान की फसल में मेड़बंदी किया जाता है। जो अब खेत में ये मेड़ी, इसको बोलते हैं मेड़ी या क्यारी नहीं होती है, उसको काट काट के साफ किया जाता है। देख सकते हैं जिसे साफ हो रहा है कुछ इस प्रकार से, इसे कट कट करके यहाँ से कट करके इसको साफ कर दिया जाएगा ताकि घास खेत में ना फैले। गाय सुबह कहने के लिए होता है कि हम घास साफ कर रहे हैं, लोग उसी मेड़ी के चलते बहुत सारा मार और कर लेते हैं। किसान लोग कैसे तू काट दे हो मेड़ी तो आगे काटल ना चाहता लो, ऐसा पूरा गांव में सिस्टम होता है। लेकिन लोग मानते नहीं है, छोटी छोटी बातों के लेकर बवाल बनाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए साफ, हर एक किसान करता है ताकि खेत अच्छा दिखे। खेत को लोग भगवान मानते हैं, भगवान हमें धरती माता हैं तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हम लोगों को अन्न देती हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। तो वहाँ अपना जो खेत होता है उसको साफ सुथरा रखना एक किसान का कर्तव्य भी है और हमें रखना भी चाहिए। तो मस्त आप देख सकते हैं कि पूरा धीरे धीरे खेतों में पानी हो रहा है और अभी यहाँ पे धान की बीज आएगी और इसको रोपाई हो जाएगी। गाइस, ये जो आप खेत देख रहे हैं ये पूरा हमारे गांव का जो ताल वाला एरिया होता है, जैसे ताल इसको बोलते हैं, जहाँ पूरा चारों तरफ का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। लेकिन इतनी बारिश हुई है कि केवल इतनी पानी इकट्ठा हुआ है, ये तो चला हुआ है रात में, वो आप सामने देख पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मैं छाता के नोक से दिखा दूँ आपको, ये वाला एरिया है। तो इसी को लेकर किसान सभी लोग परेशान हैं। आज पहली बार हम बारिश में भीगे हैं और कपार में जो ठंडक लग रही है अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सारा सर्दी ना हो जाए। तो देख सकते हैं कि जो धान की बीज है वो आ चुकी है और इसमें रोपाई होने वाली है। ये है धान का जो हम लोग बिया लगाए थे, वो संडा हुआ था और देख सकते हैं जो संडा था इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा बड़ा, इसको पूरा खेत में फिर छींटना पड़ेगा ऐसे, फिर इसको ऐसे कि रोपने में आसानी रहे। ठीक है, अब सोचिए कितना मेहनत पड़ता है, जैसे कि इसको धान को बीज हम लोग छींटते हैं, फिर बिया जब जमती है फिर उसको उखाड़ के संडा होता है, जो आपने वीडियो देखा होगा, फिर उसके बाद से फिर उखाड़ कर खेत में रोपा जाता है। तीन बार इसका कंटिन्यू कार्य होता है। ठीक है, और इसको हम अच्छे तरीके से छींट लेते हैं। देखते हैं गाइस, पूरा खेत में धान के बीज को हम लोग छींट चुके हैं, अब इसका रोपाई शुरू होने वाला है। किस प्रकार से रोपाई होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो धान का बंडल है, ठीक, इसको हम लोग इसे खोल लेते हैं। ठीक, खुल गया। अब धान की जो कलियां हैं, अब इसको, इसे एक कली है ना,
इसको ले करके ऐसे धान में खेत में सॉरी खेत में ऐसे डुबाया जाता है। जब उसकी सोर जो होती है उसके धान उसके अंदर जब चली जाती है तो इसका मतलब इसे कंटिन्यू कर करके इस प्रकार से पूरे खेत की रुपाई हो जाती है। फिर यही जो धान की फसल लगाई होती है इसी से हम लोग चावल प्राप्त करते हैं जो कि हम और आप सभी लोग मिलकर खाते हैं इंजॉय करते हैं। तो चलिए इस छीटे हुए धान को धीरे धीरे वो रोपते हैं। कुछ हमको लग रहा है 10 से 20 मिनट में इसको हम रोप लेंगे क्योंकि अभी हम अकेले हैं तो इतना मेरा काम है इसको रोप के फिर घर चले जाएंगे। आगे वाला जो भी प्रोसेस हो उसके बाद से आपको दिखाएंगे। इस देख सकते हैं कि पूरा बारिश हो ही रही है और हम इतना दूर तक रोप लिए हैं और जो थोड़ा बहुत यहाँ जो बीज बची हुई है धान की जो इसे तो इतना बचा है और लगभग आधा घंटा हो गया रोपते हुए। और दूसरा बोझा वो आ गया है, मम्मी मेरे लेकर आ गई और इसको रोपते हैं। देख सकते हैं कि जो धान की रोपनी करते करते हमने पूरा इसको रोप दिया। देख सकते हैं पूरा इस वाला जो थाई वाला कोला जो इसे बोलते हैं या क्यारी बोलते हैं इस क्यारी को हम पूरा रोप दिया और इसको रोपना है। तो बीज नहीं है, बीज आएगी तो लोग रोपेंगे मम्मी पापा और हम चलते हैं। और हाँ हाँ देख सकते हैं कि जो पानी खुला था, लाइट तो नहीं आई लेकिन खेत से जो पानी खुला था इसके माध्यम से और थोड़ा थोड़ा बारिश होने से पूरा खेत भर चुका है। इसको बंद कर देते हैं, इसको नॉर्मली हम बंद कर दे रहे हैं। तो गाइस पूरा हम भीग चुके हैं, पक्का तबीयत खराब हो जाएगी अगर जैसे हम कंटिन्यू 1-2 घंटा और भीग जाएं। तो इसको रोपने में मैक्सिमम 40 से 45 मिनट लगा होगा और अभी चल रहे हैं घर। तो ले लेते हैं ये पुराना वाला छाता, काफ़ी ज़्यादा देर से भीज रहे हैं हम और छाते को लेकर के अब चलते हैं घर। पूरा पैर की स्थिति देख सकते हैं कैसा हो चुका है पूरा। ओ माय गॉड भाई ठंड लग रही है। चलते हैं मस्त नहाते हैं और नहाने के बाद कुछ खाएंगे क्योंकि हम सुबह से बिना कुछ खाए हुए आए थे सुबह खेत में तो भूख लगी हुई है। थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेंगे और नहा भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं घर। घर जाने का जो रास्ता देख सकते हैं कितना ज़्यादा डरावना होता है बरसातों में क्योंकि इसमें तो अन्य प्रकार के कीड़े निकलते हैं, बिच्छू हो गई या फिर सांप हो गया बाहर निकलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डर रहता है। बरसाती मौसम है ना, तो आप लोग भी कहीं जाइएगा बहुत प्यार से जाइएगा आराम से देख करके। तो हम देख सकते हैं कितना साकरा रास्ता है। अब तो घर आ चुके हैं और चलिए मैं अपने गांव का रास्ता दिखाता हूँ बरसात में कैसा दिखता है। देखिए चारों तरफ से पूरा बारिश होने के कारण पूरा जो रोड पे पानी लग चुका है, देख रहे हैं पूरा चारों तरफ से। बारिश बंद हो चुकी है और हम आए हैं अपने गांव के जो पोखरा है वहीं बैठे हैं और मौसम को दिखा दें आप लोगों को। तो देख सकते हैं बादल है जो पूरा घिरा हुआ है, बारिश होने का संभावना है कि रात में ऐसा बारिश हो रही हो। और ज़मीन पे देख सकते हैं पूरा पानी उनी लगा हुआ है और जो गांव का पोखरा है मस्त उसमें पानी भर चुका है। तो ये बैठ के कुछ टाइम पास कर रहे थे। हमारे मित्र दुर्गा जी हैं जो गए खेत घूमने के लिए, तो अभी कुछ मिनटों बाद वो आएंगे तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। तो आएंगे थोड़ा रील उल बनाया जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी हम हैं खेत साइड में, तो देख सकते हैं पूरा जो खेत खलिहान वाला सब चारों तरफ से रोपाई शुरू हो चुकी है धान की। समझिए कि 2-4 दिन में रोपाई वाला काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम हैं बंकू जी के घर साइड हो, ये बंकू जी हैं और इधर इन्हीं का घर है, सब एरिया क्षेत्र इन्हीं का है। तो ये धान की रोपाई कैसे होती है, कितना बीज लगता है, कितना पानी में कैसे गांव में रोपाई होती है, ये सारा वीडियो में आप लोगों ने देखा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो राजवीर आ चुका है, राजवीर का बर्थडे आ रहा है। राजवीर बर्थडे कब है बताओ? 25 तारीख के। गिफ्ट में क्या लोगे बताओ? क्या गिफ्ट चाहिए? चॉकलेट चाहिए, गाड़ी चाहिए, गुब्बारा चाहिए कि जैसे भी चाहिए?